खबर है लखनऊ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सभी एडीजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इस मौके पर एडीजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। डीजीपी ओपी सिंह और आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। इस मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो आजकल यूपी में उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक अहम मुद्दा है यूपी की कानून व्यवस्था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अधिकारियों से रूबरू होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अमित यादव फोन लाइन पर। जी अमित यादव, जिस तरीके से सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की चर्चा संभव है? देखिए आरती, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जिसमें प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, साथ में डीजीपी ओपी सिंह और तमाम जोन के जो एडीजी हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। मुहर्रम की जो तैयारियां हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। साथ में जो बच्चा चोर जैसी अफवाहें फैल रही हैं, जिससे जो भीड़ है वो हिंसा हिंसात्मक हो जा रही है और लगातार हिंसा कर रही है, इस तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। और जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उस पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। साथ में जो परियोजनाएं चल रही हैं पुलिस संबंधित लेकर, जो पुलिस के अंदर टेक्नोलॉजी का विस्तार होना है उसको लेकर बातचीत करेंगे। वहीं 2 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सिग्नेचर बिल्डिंग है पुलिस मुख्यालय उसका उद्घाटन करने वाले हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो तमाम आज चर्चाएं होंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो 6:30 बजे से शुरू करेंगे, यानी कुछ मिनट बाद ही मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो जाएगी। और इसमें तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे मुख्यमंत्री अलग अलग जवाबों पर, अलग अलग जो जवाब है उसमें सवाल चाहेंगे और पूछेंगे क्या उसका जवाब आया है। और तमाम इस तरीके से अफवाहें फैल रही है उस पर काफी ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखाई देगा। देखिए, जिस तरीके से अभी अगर बात की जाए यूपी में मुद्दों की, तो कानून एक मुद्दा है और दूसरा एक और मुद्दा है जो आज मायावती की तरफ से ट्वीट कर उठाया गया है कि दलित बच्चों को अलग करके बैठाया जा रहा है। क्या उस मुद्दे तक अगर बात की जाए, क्या इस संज्ञान में है सीएम के? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम संज्ञान पे, मगर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो मुद्दा है वो बच्चा चोर को लेकर है, मुहर्रम की तैयारियों को लेकर है, साथ में जो मुख्यालय बन रहा है पुलिस मुख्यालय उसका, जिसका उद्घाटन करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आपको बता दें मुख्यालय बन के तैयार है क्योंकि पिछली सरकार में, अखिलेश सरकार में मुख्यालय बनाया गया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका उद्घाटन करेंगे और 2 तारीख को मुख्यमंत्री का उद्घाटन करना है। तो तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत करेंगे और साथ में जहाँ पे अपराध के खराब बढ़े हैं जिस जोन में, उस जोन की एडीजी से मुख्यमंत्री पूछेंगे आखिर क्यों अपराध बढ़ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित यादव जी इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से रूबरू होंगे। इस मौके पर कानून व्यवस्था से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की चर्चा संभव है। मुहर्रम आने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा भी की जाएगी।